विप्रागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो आयरियानम नमो वजायानम नमो वजायानम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं मंगलानं च सव्येसिं पद्मं भवै मंगलम् पद्मं भवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद निमेश दादा जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद निमेश दादा 15-20 मिनट और बड़ों के साथ बात करो कोई ने क्वेश्चन छे निमेश दादा ने नहीं निमेश दादा हवे हमणा लोकाने तो हमणा अमुकने रजा छे एटले नवुं वर्ष आवशे एना माटे थोड़ो ब्लेसिंग्स आपो नवा वर्षना आजनो सत्संग गुजरातीमां के हिंदीमां सॉरी अत्यारना गुजराती चालशे पछी बादमां हिंदी करेंगे बच्चों के लिए थोड़ा इंग्लिश चलेगा हिंदी चलेगा इधर सब चलेगा हिंदी भी चलेगा सब मालूम है सबको दादा भगवान की बात है दादा भगवान बचपन से दूसरों का काम पहले करते थे दादा हमेशा कहते थे बचपन में भी यही कहते थे मुझे मेरा शरीर बहुत ही अच्छा मिला है दो आंख दो कान दो हाथ दो पैर तो क्यों मैं दूसरों का काम में मैं हाथ ना बटाऊं कभी भी जब भी वो जाते थे अपना काम के साथ साथ दूसरों का भी काम करने की तीव्र भावना रखते थे और किसी भी तरह दूसरों को कैसे मैं मदद रूप हो जाऊं किसी भी तरह दूसरों को मैं अच्छा काम कर सकूं उनके लिए ये दादा भगवान की हमेशा भावना रहती तब वो दादा भगवान नहीं थे अंबालाल मुरजी भाई पटेल बचपन की बात है शुरू से ही उनको जो चीज पसंद आए वो दूसरों को देने की उनके भीतर बहुत ही इच्छा रहती ऐसा नहीं कि जो चीज उनको नहीं पसंद है नहीं भाती है वो दूसरों को दे जो उसको पसंद है दादा भगवान को खुद को जो पसंद था वो दूसरों को तुरंत दे पाते थे क्योंकि उनके ऊपर दादा भगवान कहते नहीं थे कि ये मेरा है मेरा करके दादा भगवान उस चीज को अपनी बनाते नहीं थे किस तरह मैं दूसरों को बांटूं और दूसरों को खुश रखूं लोग आनंद में आ जाए यही मेरी भावना है इसके लिए एक पद में भी हिंदी पद है कविराज श्री ने लिखा हुआ है
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी का दर्द पराया दर्द, किसी भी पराया दर्द को अपनाए उन्हें हम याद करते हैं। आज आप सब छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे का सबसे बड़ा संस्कार क्या होना चाहिए, तो कि आप अभी जो उम्र में हो उसमें आपका शरीर बहुत ही आपको सहाय रूप है, शरीर आपके साथ चलता ही रहता है। आप कुछ भी खाओ, कैसे भी खाओ, कितने बजे भी खाओ, फिर भी हजम होता है, नींद आती है, सब कुछ होता है, फिर भी ये शरीर, क्या ये शरीर मेरा घर के लोगों को काम लगता है, मेरे खुद के लिए काम लगता है? क्योंकि मैं हमेशा भीतर से भिखारी रहता हूं। आज आप बच्चे हैं, आज आपकी उम्र बहुत छोटी है, आप बार 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 डिमांड करते रहेंगे और आपके मम्मी पापा आपकी डिमांड चाहो या ना चाहो पूरी करनी पड़ती है। फिर भी कभी कभी तो माता पिता भी सारी डिमांड पूरी करने का ठेका नहीं लिया है, वो भी कहते कि हर बार उनकी सारी डिमांड पूरी करेंगे, क्या उसको पता है ये कैसे आती है, इसके पीछे हमारी आदत क्या पड़ जाएगी, बार बार मांगने की आदत पड़ जाएगी, ये मांगू वो मांगू ये मांगू वो मांगू ऐसी आदत पड़ जाएगी। इसके लिए दादा भगवान ने कहा, ऐसी चीज मांगो दूसरों के पास जो दूसरे भी देने में बहुत खुशी व्यक्त करे, आनंद व्यक्त करे। ऐसी चीज मत मांगो को दूसरों को भी मजबूरन देना पड़े या तो मजबूरन ना कहना पड़े। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम किसी के काम आते हैं या नहीं आते हैं वो तो हमें पता नहीं है। एक्चुअल में हकीकत में देखने जाए तो हमें पता होना चाहिए कि पूरे दिन में ये शरीर, ये मेरे हाथ पैर या किसी भी तरह का दूसरों को काम में लगा या नहीं लगा, दूसरों के काम में आया या नहीं आया, कि पूरा दिन मैंने अपने लिए ही ये शरीर खर्च किया या शरीर का उपयोग किया। जैसे आंखें है तो आंखें मैंने अपने अपनी मर्जी से आंखों का उपयोग किया, कान है तो कान का उपयोग अपनी मर्जी से अपने लिए यूज किया, स्पीच है बानी है तो बानी दूसरों को सुख देने में मदद करने में मैंने बानी खर्च किया, या अपनी तारीफ या अपनी प्रशंसा करने के लिए मैंने ये बानी का उपयोग किया। ये सारी बात हमें समझ में आती है। पूरे दिन में अगर हम देखें ना तो ये पूरा शरीर काम तो अपने आप कर रहा है, उस शरीर के पास कोई काम करवाना नहीं पड़ता है, मगर भावना तो ये रखनी चाहिए। अगर भाव हम ये रखते हैं कि हमें किसी भी तरह दूसरों के काम में आना है, दूसरों की मदद में आना है, ये शरीर अपने आप काम करेगा। आप जो ज्ञान डालोगे वो शरीर अंदर ज्ञान रख के वो शरीर दूसरों के काम में लगता है। आजकल लोग ज्यादा खाते हैं मगर शक्तियां कम है, इसका कारण क्या? तो कि ज्यादातर आजकल के बच्चे या आजकल के लोग अपनी शक्तियां दूसरों को दुख देने में, दूसरों को मारने में, दूसरों की हिंसा करने में खर्च कर देते हैं। अब दूसरों को मदद नहीं कर पाते हो, दूसरों को दुख देते हो, यहां तक कि जो आपसे छोटे उसको मार सकते हो, तो आपकी सारी शक्तियां उसमें खर्च हो गई थी, बहुत कम शक्तियां मगर खर्च कर दी यहां दूसरों का बुरा भला बोलने में, दूसरों की गलतियां देखने में,
तो दादा भगवान कहते थे खाया इतना सारा, शक्तियां भी भले ही कम तो कम, शक्तियां तो मिली खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद, आराम करने के बाद शक्तियां तो मिली, मगर उस शक्ति का पूरा उपयोग हमने दूसरों को दुख देने में खर्च कर दिया। इसके लिए दादा भगवान ने और कविराज ने कहा इसी पद में, जैसी करनी वैसी भरनी, इसी को कर्म कहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें भगवान या अपने माता पिता सबकी आशीर्वाद कृपा है, मगर हम माता पिता का भी दूर उपयोग मतलब मिस यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम बचपन से मांगने की आदत हमारे अंदर पड़ी है। कोई भी चीज मांग मांग के लो, छीन के लो, खींच के ले लो, ये हम बचपन से आदत लेके आए। तो दादा भगवान ने कहा आपने मांगा नहीं, खींचा नहीं, किसी भी तरह आपने उसके प्रति पाने की कोई भी आपने ट्रिक यूज ना की हो और वो चीज आपको मिले तो आपको बहुत आनंद देता है। आज आपने एक सिंपल घर में जो खाना बनाया है, जो भी बनाया हो, चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, आपने त्रिमंत्र बोल के दादा भगवान को खिला के उस सब्जी को खाने की शुरुआत की, तो सबसे पहले हमारे माता पिता बहुत खुश हो जाते, क्योंकि ये बात हम समझ नहीं पाते। हम छोटे बच्चे हैं, हमको लगता है, मगर आज आपको कोई गाली देगा, कोई आपका इंसल्ट करेगा या आपके साथ झगड़ा करेगा, तुरंत आपके अंदर ऐसा ही आएगा कि मैं भी झगड़ा करूं, मैं भी उसको मारूं, मैं भी उसका इंसल्ट करूं। तो दादा भगवान के पास बचपन में ये आदत नहीं थी। दादा भगवान के पास बचपन में ये आदत थी कि अगर मुझे मार के भी उसको ठंडक मिलता है, आनंद मिलता है, तो कोई बात नहीं, मगर मैं एक बार जरूर पूछूंगा उसको कि तूने ऐसा मारा क्यों, तूने ऐसा इंसल्ट किया क्यों, क्या वजह है, वो तो मुझे बताओ। ये दादा भगवान पूछते थे, मगर सामने उसका रिवेंज मतलब बदला लेने की भावना तक नहीं थी। आज हम भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता रिस्पेक्ट या बड़े हैं या फिर हम उसकी गलती देख देख कर माता पिता को भी छोटे बना देते हैं। ये बात अगर आपको स्टडी में आगे बढ़ना है, अगर आपको जीवन में लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको दादा का ज्ञान भीतर से अच्छी तरह समझना है, तो दादा भगवान ने कहा जो चीज आपको मुफ्त में मिलती है उसका विनय करना सीखो। दादा भगवान ने बहुत अच्छा कहा, कौन सी चीज आपको मुफ्त में मिल रही है, तो जो चीज आपको मुफ्त में मिल रही है, किसी भी तरह की मेहनत ना करनी पड़े और आपको मिलती है, तो उसका विनय रिस्पेक्ट हो सके उतना ज्यादा दो, तो ही आप ये दादा का ज्ञान, आपका लाइफ, सब हर तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। मगर जो चीज आपको मुफ्त में मिलती है, खाने की चीज मुफ्त में मिलती है, कपड़े पहनने की चीज मुफ्त में मिलती है, पानी मुफ्त में मिलता है, हवा मुफ्त मिलती है, मगर उसकी हम वैल्यू कर नहीं पाते। हमें माता पिता भी मुफ्त में मिले हैं, तो माता पिता की हमें कैसी केयर करनी चाहिए, क्या कदर करनी चाहिए, ये दादा भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। हम हमेशा हमारी खुद की तारीफ करते हैं, हम हमेशा हमारी खुद की कदर करते हैं, हमको कम से कम दुख आए, कम से कम हमको प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस आए, वो हमेशा ध्यान में रखते हैं, मगर हमारी वजह से क्या मम्मी पापा खुश है, या फिर मम्मी पापा हमें माफ कर देते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं। इसके लिए कहता हूं कि बार बार
मम्मी पापा के पैर छुओ ये एक प्रकार का प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है। बार बार आप मम्मी पापा के पैर छुओगे, प्रणाम करोगे, तो वो भी आप ही की हुई गलतियों का प्रायश्चित है, और नहीं तो कुछ नहीं। बट माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। यही बात दादा भगवान ने हमसे कही, आप तो पुत्रों को कहा आप जो गलतियां करते हो आप पूरा पूरा गलती बता दोगे तो हम दादा भगवान के हम खुश हो जाएंगे, आपकी शक्तियां बढ़ जाएगी। जितनी गलतियां छिपाओगे उतनी शक्तियां कम हो जाएगी और दादा भगवान की कृपा भी कम हो जाएगी। अगर आप तो पुत्र सारी गलतियां दादा भगवान को बता दो तो दादा भगवान की कृपा और शक्तियां दुगनी हो जाए, मांगनी ना पड़े, दादा भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहे। क्योंकि हमेशा खुद की गलतियों का पक्ष लेना और खुद की गलतियों को छिपाने की आदत हमारे अंदर अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। दादा भगवान कहते हर जगह छुपाना, हर जगह छिपा के रहना, मगर जब हमारे सामने आओ तो सारी गलतियां बोलोगे तो हम भी, हमारी भी कृपा रहेगी, देव देवियों की कृपा रहेगी और माता पिता के आशीर्वाद रहेंगे। क्योंकि गलतियां होती रहती है, पता भी चलता है, मगर गलतियों का नजरअंदाज कर देते हैं, गलतियों को निग्लेक्ट करके हम आगे चलते हैं। इसके लिए कहा दादा भगवान ने कहा कि इस संसार में भगवान आपका बॉस नहीं है और भगवान आपकी ऊपरी, आपके ऊपरी नहीं है। आपकी की हुई गलतियां आपके बॉस है, वो गलतियों के कारण हमें भुगतना पड़ता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेश दादा बहुत अच्छा किया। सो निमेश दादा इज सेइंग दैट व्हाटएवर यू गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स इज फ्री, सो वी मस्ट अप्रिशिएट व्हाट वी गेट एंड नॉट डिमांड टू मच। तो निमेश दादा आपने बताया कि जो पेरेंट्स से मिलता है वो ऐसे तो फ्री मिलता है, तो इसको वैल्यू करने का और पेरेंट्स का बहुत बहुत वर्शिप करने का, ठीक है? ठीक है। पूरे संसार में पैसों से खरीदी हुई चीजों की बहुत वैल्यू करते हैं और जहां पैसा खर्च न करना पड़े और आसानी से मिले उसकी कीमत नहीं। आज मुझे ही मेरा शरीर मिला है, आंखों से मैं बहुत अच्छा हूँ, कानों से अच्छा हूँ, वाणी से, खाने पीने में, क्या मैं निमेश के भी कीमत करता हूँ या निमेश दूसरों को दुख देने में मैं खर्च करता हूँ? क्योंकि पैसों से खरीदी हुई चीजों की बहुत वैल्यू होती है, मगर जो मुफ्त में मिला है वो तो कहीं गुना महंगा है। इसमें आप देखो तो पूरा जीवन आपको मुफ्त में मिला है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा मनुष्य जन्म बहुत बड़ी एग्जाम है साहब, क्योंकि मनुष्य शरीर मिलना ये तो बहुत कुदरत की बहुत बड़ी देन है, वरदान के रूप में है। चाहे आप कितने भी पुण्य खर्च कर लो मगर अच्छे घरों में आपका जन्म नहीं हुआ, अच्छे माता पिता के पास संस्कार नहीं मिले तो पूरा मनुष्य जीवन फिजूल में ऐसे ही वेस्ट जाता है। क्या करना है मनुष्य में आके? दो आंखें हैं, दो कान है, नाक है, हाथ पैर है, मगर मैं खुद सुखी नहीं हूं, मैं खुद भिखारी हूं, तो फिर मेरा मनुष्य जन्म है किस काम का? और मुझे मनुष्य जन्म इतना आसानी से मिला है और इतने अच्छे घरों में मिला है माता पिता के पास कि जो चीज मांगू मुझे मिल जाती है, जो चीज मुझे खाना चाहूं मुझे खाने के लिए मिल जाती है, बोलने में भी फ्रीडम है। क्योंकि आज के माता पिता बच्चों के साथ फ्रेंड बनकर रहते हैं तो बच्चों को भी अच्छा अच्छा सीखने को मिलता है, फिर भी कहां किस बात को ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए और कहां किस बात को, किस संजोग को वैल्यू ना करे, ये सीखने का बाकी रहता है। इसके लिए कहते हैं कि महंगे से महंगी चीज क्या है? तो कि मनुष्य जन्म। क्यों भाई? तो कि फ्री आइटम है।
दो आंखें, दो कान, फ्रीडम, जाना आना, बैठना, बातें करना, सारी टेक्नोलॉजी यूज करना केवल मनुष्य को हक है, राइट है। मगर फ्री में ये मनुष्य जन्म, इसके लिए दादा भगवान ने पूरा बचपन से लेकर 1950 तक, जैसे अंबालाल मुरजी भाई पटेल के देही मंदिर में दादा भगवान प्रकट होने तक, उन्होंने पूरा 50 साल मनुष्य जन्म की कीमत एनकेस कर ली, रोकड़ में बदल ली। एक एक संजोग, एक एक साल चलता गया, जैसे आपने कहा रजनी भाई साहब कि ये साल बदलता है, ईयर बदलता है और लोगों को अच्छा लगता है हैप्पी न्यू ईयर कहना, ये करना। दादा भगवान ने एक एक साल में ऐसी कमाई करते गए, सारे हिसाब चुकते होते गए, सबका क्लेम निपटते गया, सबको खुश करके आगे बढ़ते 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 गए। और उन्होंने कह दिया कि मुझे मेरा मनुष्य जन्म वापस मिले या ना मिले मुझे पता नहीं, मगर इस बार मुझे मनुष्य जन्म 100% मुझे सफल करके, सार्थक करके, सक्सेस करके जाना है। एक एक हिसाब को, ना देखा दिन ना देखी रात, ना कोई आर्ग्यूमेंट, ना कोई किसी भी प्रकार की बहसबाजी, ना बुद्धि से संसार चलाया, ना अहंकार से संसार चलाया, केवल अहंकार और बुद्धि को, पुराने लेकर आए हिसाबों को चुकते करने में दादा भगवान ने पूरा जीवन 50 साल, यूं कहे तो 40 साल, 10 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक केवल दादा भगवान ने जो हिसाब बाकी थे वो केवल चुकाने में, ना तो कोई संसार की सुख, संसार का कोई सुख भुगतने के लिए, ना तो केवल, ना तो उनके अंदर भिखारीपन था, ना तो उनकी इच्छा थी कि संसार का सारा सुख चला भी जाए तो भी कोई अर्ज नहीं, मैं किसी के साथ कोई भी मैं फरियाद कंप्लेन नहीं करूंगा, मगर संसार का सब सुख बांटते हुए अपना खुद का सुख जो उनके पास आया वो ऐसा बांटा कि सभी का क्लेम कंप्लेन खत्म हो गया। करते 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 दादा भगवान के भीतर उन्होंने एक ही कहा, मनुष्य जन्म कुछ संसार भुगतने के लिए नहीं है, संसार के सुखों के लिए साल के साल, साल के साल, साल के साल चले जाते हैं। आज मैं कहता हूं कि मैं भाई इतने साल का हूं, 10 साल के बाद इतना हो गया, 10 साल के बाद इतना साल का हो गया, भाई आप खुश हो या नहीं हो तो कि नहीं पता, 10 साल बीत गए, क्या आपने कोई कमाई की या लॉस ही लॉस है? तो दादा भगवान ने कमाई किसे कहा वो उन्होंने जी कर बताया, और लॉस किसे कहा वो भी उनके जीवन से, अपने को लॉस किसे कहते वो भी बता दिया। ऐसे दादा भगवान मिलने के बाद अगर हम कहे कि अभी भी हम दुखी हैं, तो हमें कौन सुखी कर पाएगा? क्योंकि सुखी की, सुख की डेफिनेशन हमारी अलग है। जब हमारे भीतर के शत्रु या तो हमारे भीतर की वीकनेस, कमजोरियां खुश हो जाए तो हम खुद मानते हैं कि मैं खुश हूं, और दादा भगवान का उल्टा था, भीतर की वीकनेस दुखी हो, भीतर की वीकनेस बहुत रोने लगे, परेशान हो जाए, तब दादा भगवान खुद खुश रहते थे कि चलो भीतर की वीकनेस का पता चला, भीतर की वीकनेस की पहचान हुई। नहीं तो होता क्या है, तो कि भीतर की वीकनेस को कब वो खुश है, पूरा दिन चला जाता है, ना तो मैं मन के विचार को देख पाता हूं, ना मेरे अंतस्करण को देख पाता हूं, क्यों? तो कि भाई मेरे कहने के अनुसार पूरे दिन संजोग आते जाते हैं और उसमें ही मैं मिला जुला हूं, और मेरा पूरा दिन अंतस्करण के कहने के अनुसार मिलता है, तो मुझे ऐसा ही लगता है बस अच्छा ही हूं, बहुत अच्छा है। एक बार टेस्ट करके तो देखो कि अंतस्करण के विरुद्ध में पूरा दिन जाए और हमें खुश रहना, मुंह के ऊपर हंसी रहना कि आज की कमाई पूरी जिंदगी की कमाई कर चुका जो दादा भगवान ने बताई, ये एक बार प्रयोग करने जैसा है। ये तो पूरा दिन इतना अच्छा जाता है तो
किसका अच्छा जा रहा है, भीतर पड़े कमजोरियों के दिन अच्छे जा रहे हैं या मेरे खुद के दिन अच्छे जा रहे हैं? भीतर पड़े कमजोरियां खुश है तो हम कहेंगे ओ हो 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 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मेरा खुद का अनुभव मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब जब पूरा दिन मुझे अंदर की कोई बात सुनाई नहीं देती है, अंदर की कोई बात देखने को नहीं मिलती है, तब मुझे पता चलता है कि पूरा दिन अंदर के कहने के अनुसार दिन गया, मतलब अंदर का देखने का मुझे फुर्सत ही नहीं, क्योंकि बाहर से मैं मस्त हो गया। अंदर से तो मस्त वो थे ही, क्योंकि पूरा दिन उनकी मर्जी के अनुसार गया अंदर वाले के, मगर बाहर से भी मैं बेहोश हो चुका। ऐसा आनंद, ऐसा सुख आया कि बाहर से भी बेहोश हो चुका, जब रात को थोड़ा दादा भगवान को याद करने बैठा तब पता चला कि पूरा दिन में दादा भगवान याद क्यों नहीं आए। पूरा दिन में मुझे दादा भगवान की छवि या उसका मुख या तो उसको फोटो कहीं पे भी दादा भगवान की मुझे क्यों याद नहीं आई भाई, ऐसा क्या हुआ? तब जाके पता चला कि ओहो, मेरे कहने के अनुसार, मेरी भिखारीपन के अनुसार मुझे पूरा दिन मिलता गया, तो फिर दादा भगवान की जरूरत कहाँ है? जब मुझे मिलता है, मुझे मैं मस्त हूं, तो फिर मुझे दादा भगवान को याद करके क्यों मैं खामोखा में प्रायश्चित करने बैठूं कि पूरा दिन ध्यान में नहीं आया? इसके लिए दादा भगवान ने कहा, अंदर की बात कब पहचानने में आती है, अंदर की बात कब सुनने में मिलती है, या तो अंतस्करण की बातें कब सुनने मिलती है, या अंतस्करण को पहचानने का मौका कब मिलता है? जब संजोग अहंकार को रुलाने वाला आए, अहंकार को ठोकर देने वाला आए, अहंकार को दुख देने वाला संजोग आए, तब अंतस्करण बहुत अच्छी तरह पहचान हो जाती है। इसके लिए कविराज ने लिखा, दुखड़ा उपकारी था संसारे कादौ मा कमल ठरड़ा। ये बात समझने जैसी है। दादा भगवान को नींद आया और नींद में से भी सुख आया, दादा भगवान को नींद आया और नींद में से भी वो सुख आए, तुरंत दादा भगवान करवट बदल लेते थे। दादा भगवान, उन्होंने जो साल शरीर पे ओढ़ी थी वो साल को भी साइड में रख देते थे कि नींद में भी मुझे, नींद का भी मुझे सुख लेना पड़े, क्या बात है? स्नान करने की जरूरत है, फिर भी स्नान करके खुद को मस्त बनाते हैं दादा भगवान मिलने के बाद। तो दादा भगवान ने कहा, मुझे बाहर की कोई भी चीजों का सुख आए, तुरंत हम वो सुख को पहचान जाते थे, और वो बाहर का सुख अंदर कौन ले रहा है उसको भी पहचान जाते थे हम, और तुरंत हम उसके सामने कड़वी दवा पिलाकर वापस उसको नॉर्मल बनाते थे। जय सच्चिदानंद रजनी भाई साहब। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत बढ़िया भूमिका, थैंक यू फॉर ट्रांसलेटिंग फॉर आर्याना। अभी हम एडल्ट्स का क्वेश्चंस लेगा। अच्छा भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद निवेश जी। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे ये आप सूत्र आया था 2630, उसमें लिखा है, ज्ञानी पुरुष ने एक शनवार पन संसार परिणति ना होए, ने संसार भाव पन ना होए, निज परिणति होए, ने स्वभाव भाव होए। तो ये थोड़ा समझा दीजिए, इसमें स्वभाव भाव क्या होता है और परिणति क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए। आपका क्या नाम, शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम कश्यप है। कश्यप जी, ये अभी मैंने जो बात की ना जी, अभी जो मैंने बात की अपनी खुद की जी, वो ये सूत्र है, यही सूत्र है कि मैं स्वपरिणति में कैसे रह पाऊं। मुझे शुद्धात्मा पद मिला, शुद्धात्मा का ज्ञान हुआ,
अंदर शुद्धात्मा प्रकट हो गए, साक्षात दादा भगवान मेरे भीतर बैठ गए, तो उसमें मैं कैसे रहूं और किस तरह ये निमेश को पहचानता रहूं? स्वपरिणति, स्वपरिणति, स्व मतलब शुद्धात्मा। अब मैं निमेश को पहचान नहीं पा रहा हूं, मतलब मैं संसार में ढल चुका हूं। निमेश मतलब संसार, निमेश मतलब अपना जो नाम है कश्यप जी, वो कश्यप जी जो नाम है वो ही संसार है। एक सेकंड के लिए भी कश्यप जी बनना मतलब संसार में आ चुके, आ चुके मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, आ चुके मतलब ऐसा नहीं कि आप आ गए, मैं ये कहता हूं कि जैसे ही आप निमेश मतलब कश्यप जी बन गए तो आपको शुद्धात्मा का सुख का स्वाद अनुभव नहीं होगा और आपको कश्यप जी का सुख और दुख वाला स्वाद अनुभव में आएगा। एक सेकंड के लिए भी संसार मतलब शरीर में न रहना, इतना ही नहीं कश्यप जी, सुन रहे हैं साहब? इतना ही नहीं, संसार में न रहना मतलब कश्यप जी में न रहना, मगर कश्यप जी को जो भी भाव होते हैं, जो भी भाव होते हैं दुख के, सुख के, मदद करने के, ये भी वो भी नेगेटिव, ये सारे संसार भाव जो हो रहे हैं उसको खुद को, वो कश्यप जी को हो रहे हैं, और कश्यप जी को जो भाव हो रहे हैं उससे वो अलग रहते हैं। अलग मतलब अपने स्व में, नीज में, नीज मतलब अपना शुद्धात्मा पद। आज मैं निमेश बन गया और निमेश को जो भाव हुए वो मुझे लगेंगे कि ये मुझे, मेरे भाव है और मुझे हो रहे हैं। वो कब होगा? जब मैं निमेश बन जाऊं तो निमेश के जो भी भाव है वो मेरे खुद के लगेंगे। और ज्ञानी पुरुष, उसमें भी अक्रम विज्ञानी ये दादा भगवान, चाहे कितनी भी प्रशंसा कर लो, चाहे कितना भी संसार का सुख दे दो, एक सेकंड के लिए भी अंबालाल वो हुए नहीं, अंबालाल मुरजी भाई पटेल वो खुद हुए नहीं। इतना ही नहीं, अंबालाल मुरजी भाई पटेल के अंदर जो भी भाव होते थे वो भाव के भी वो खुद मालिक नहीं बने। ये भाव किसके है, ये कौन, ये किसके भाव है? तो क्या भाव, तो शुद्धात्मा में भाव नहीं होता है, शुद्धात्मा में स्वभाव होता है, स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा परमानंद। और शुद्धात्मा तो अपनी गुणों से है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख वाला शुद्धात्मा पद है, अनंत सुख। तो ये भाव वगैरह क्या है? तो के भाव वो तो डिपेंडेंट, आज मैं निमेश के ऊपर डिपेंड हो गया तो निमेश भी किसी और संजोग के ऊपर डिपेंड है, तब जाके निमेश को भाव होते हैं और मैं मान लेता हूं कि मुझे हुए भाव। आज मैं किसी के मृत्यु में किसी को सांत्वना देने गया तो तब वैसे भाव होते अंदर, और किसी की शादी में गया तो निमेश के भीतर भाव उस प्रकार होते हैं। संसार में या तो कोई बिजनेस में गया तो निमेश के भाव उस प्रकार चलते। ये सारा रोल किसका है, और ये रोल वो खुद कर रहा है या अपने आप हो रहा है? जैसे निमेश ने, कश्यप जी ने जन्म लिया, कश्यप जी ने जन्म लिया, तब कश्यप जी को कहां पता था कि मेरा जन्म कहां होगा, कौन से माता पिता होंगे, कौन से घर में होगा, किस जगह में होगा? फिर भी जन्म हुआ, माता पिता इसमें, इस जगह जन्म हुआ। बड़े होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, और जैसे बड़े होते जाते थे, बड़े होते थे वैसे वैसे अंदर की मशीनरी भी चेंज होती है साहब। ये भी दादा भगवान ने और कविराज ने पदों में ले लिया कि जब बचपन में था तब मैं गोटियों से और इससे खेलता था, चॉकलेट और ये सब से। जैसे जैसे बड़ा होता गया क्रिकेट से खेलने लगा, और भी बड़ा होता गया तो क्रिकेट भी छोड़ दिया,
क्योंकि उम्र के साथ सुख की भीतर, हमारे भीतर सुख की डेफिनेशन बदलती जाती है उम्र के साथ। कश्यप जी, नहीं सही है, आपने बहुत सही बताया, बस ये मन को समझ में आ गया, बस परिणीति क्या होता है वो थोड़ा और बता दीजिए। परिणीति मतलब आप किस जगह बैठे हो, मतलब परिणीति मतलब अभी आपका अंदर कौन सा अंदर आपको सर्टिफिकेट या मतलब अनुभव हो रहा है। अच्छा, आपका कौन सा परिस्थिति है उसके वो होता है परिणीति, अनुभव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। सूरज भाई, निमेश भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न आया था, आपने अभी सत्संग किया थोड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी कुछ हमारे जीवन काल में जो भी घटना घटती है जी, चाहे सुख दुख हो, ये सब संयोग के कारण घटती होगी और ये सब हमारा डिस्चार्ज होगा। हाँ जी। तो ये सब डिस्चार्ज को अंदर हम यदि ज्ञाता दृष्टा रहे जी जी, तो हमको कोई चीज माने कोई कर्म चार्ज होगा कि नहीं होगा? नहीं, ज्ञान मिलने के बाद कोई कर्म चार्ज होता ही नहीं है। अच्छा, ज्ञान दीक्षा मतलब वितराग दीक्षा, दो दृष्टि वाली दीक्षा, दो दृष्टि वाली, व्यवहार दृष्टि और निश्चित दृष्टि वाली दीक्षा मिलने के बाद कोई भी कर्म चार्ज नहीं होता है। मगर जो भी कर्म हम बांध के आए वो या तो वो पेंडिंग रहते या तो उसका निकाल करना बाकी रहता है। अब जितना ज्ञाता दृष्टा ज्यादा रहते हो उतना प्रतिक्रमण अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है। क्योंकि ज्ञाता दृष्टा रहने पर फाइल नंबर एक मतलब खुद के मन वाणी काया को बहुत अच्छी तरह आप पहचान जाते हो। जितना ज्ञाता दृष्टा देखने में रहे कि आज नीमेश सुबह से क्या कर रहा है, आज खरे साहब सुबह से क्या कर रहा है, किस किस को मिले, कहां कहां क्या बात की और कौन सी नियत से बात, ये इस सारी बात समझ में आ जाए तो ये जैसे ही आपने देखा तो खरे भाई अपने आप, जो दिखाई देने वाले खरे भाई अपने आप प्रतिक्रमण कर लेते हैं, करवाना नहीं पड़ता है। मगर ज्ञाता दृष्टा पद में से निकल कर आप थोड़ा भी खरे भाई बन जाओ तो आपको गलती तो पता चलती है मगर गलती छिपाने में आपकी शक्तियां यूज हो जाती है। नहीं, गलतियां जो भी कुछ होती हैं वो सब तो अपने माने पुराने डिस्चार्ज की वजह से होती हैं कि पुराने वजह से होती है गलतियां? पुराने डिस्चार्ज की वजह से भी होती है और नहीं, पुराने हिसाब, डिस्चार्ज नहीं कहता हूं मैं, हिसाब कहता हूं, चलो पुराने हिसाब से होती है। हिसाब के कारण होती है कि किसके कारण होती है? पुराने हिसाब से ही होती है मगर अपनी नियत पहचाननी पड़ती है। हिसाब से नियत तो अभी क्या है कि ज्ञान हमने ले लिया है तो नियत तो अभी पांच आज्ञाएं में हमेशा घूमती रहती है। नहीं, वो बात सेपरेट है और लेकर आए नियत की बात कर रहा हूं, साथ में नियत भी लेकर आए आप। जैसे आप हिसाब कहते हो ना पुराना हिसाब, तो पुराने हिसाब के साथ हम पुरानी नियत भी लेकर आए हैं, वो डिपार्टमेंट अलग है और पांच आज्ञा में रहने वाला डिपार्टमेंट अलग है। इसके लिए तो कह रहा हूं कि ज्ञाता दृष्टा रहते हो पांच आज्ञा से तो जो खरे भाई जो पुराने जन्म वाला है उसकी पहचान अच्छी तरह होती है और जितनी पहचान हुई उतना हिसाब क्लीन हुआ। नहीं नहीं, नियत तो हम सुबह उठ करके ये करते हैं कि खरे भाई को पांच आज्ञा में रहने का है। जी जी, ये सुबह से हमारी नियत, हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं जी जी, सुबह 6:30 बजे उठ कर के प्रातः विधि में यही सबसे पहले बोल लेते हैं।
कि भाई खरे भाई से कोई गलती नहीं होना चाहिए और कोई भी जीव के प्रति उसको दुख ना पहुंचे, ये हमारी हमेशा सदैव प्रार्थना रहती है। जी जी। तो मैं क्या सोचता हूँ, कभी कभी हो जाता है या नहीं भी होता है, तो कभी कभी जो ये वाणी तो हमारे हाथ में नहीं है, हरकत भी हमारे हाथ में नहीं है, ये कभी कभी सोचता हूँ कि भाई रात को सोने के पहले उसके बारे में प्रतिक्रमण भी कर लेता हूँ कि भाई कहीं ऐसी वाणी तो नहीं निकली अपने द्वारा। जी जी, अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। तो मगर जो निकल भी जाती है तो उसका प्रतिक्रमण तो मैं कर लेता हूँ मेरी तरफ से। जी जी, है कि नहीं? तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि जो सुख दुख है, ये संजोग है, ये सब पूरे जो है अपने, तो ये सब जो घटना घट रही है मेरे जीवन काल में, ये क्या सब डिस्चार्ज होगा मेरा इसलिए होती है कि कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी पूरे जीवन काल की माने मेरे। जितना पांच आज्ञा से खरे भय का व्यवहार देखते जाओगे तो निकाल होते जाएगा। बल बल बल, ठीक है ना सब? चलो चलो चलो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हरेंद्र भाई, जय सच्चिदानंद। निमिषा, हाँ जी, जय सच्चिदानंद। अभी एक पुद्गल क्रिया है जो करनी नहीं पड़ती है, अपने आप क्रियाकारी है, हो ही जाती है। दूसरी अज्ञान क्रिया है, वो भी करनी नहीं पड़ती है, साथ साथ हो ही जाती है। और दादा भवन की कृपा से ज्ञान दृष्टि मिली है। वो ज्ञान दृष्टि, ये दोनों को सेपरेशन करने के लिए किस ढंग से हमको उपयोग करना चाहिए कि जिससे ये दोनों सेपरेट और सेपरेट ही रहे, क्योंकि वो हो नहीं सकती, ये दो अपने आप हो रही है। ये तो मैंने बात की थी साहब, ये तो बहुत बार बात हो चुकी कि जब आप स्नान करते हो तब आप सेपरेट का प्रैक्टिस करो, खाना खाते हो तब सेपरेट का प्रैक्टिस करो, रात को सो जाते हो तो सोते समय आप अलग रहने का प्रैक्टिस करो, तो अपने आप ये ज्ञान दृष्टि भी काम करने लगेगी। पूरा दिन में आपने प्रैक्टिस जैसा आपने किया है पांच आज्ञा दृष्टि से, ये तीन चार चीज ऐसी है, जैसे आईने के सामने गए तो आप प्रैक्टिस रखो कि भाई निमेश दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूं। आईने के सामने गए तो वो प्रैक्टिस रखो, खाने समय प्रैक्टिस करो, स्नान करने समय प्रैक्टिस करो, रात को नींद आते समय आप प्रैक्टिस रखो, तो आराम से दादा की ज्ञान दृष्टि तो और भी सहज है, सबसे सहज ज्ञान है। मगर हम वो प्रैक्टिस पूरा दिन अपना जो फाइल नंबर एक कर रहा है और उसमें हम एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भाई आप फाइल नंबर एक का अभी ये रोल आया है तो ये रोल उनको निभाने दो, अभी फाइल नंबर एक का रोल क्या आया है तो कि खाने का रोल आया तो भाई खाना खा ले, फाइल नंबर एक का रोल क्या आया तो कि भाई स्नान करने का तो भाई स्नान करने चले जा, फाइल नंबर एक का रोल अभी क्या आया तो कि भाई आईने के सामने खड़ा हो गया तो कि कोई बात नहीं, आईने में तो अपने आप को देख ले, मैं नहीं दिख रहा हूं। फिर किसी से बात करते हैं तो कि भाई ये बात करने का रोल क्या है तो कि अभी ये फाइल नंबर दो है, तीन है, पांच है या पचास है, तो उस तरह फाइल नंबर एक को अपना रोल करने दो, क्योंकि फाइल नंबर एक फाइल नंबर दो से भी रोल कर लेगा और फाइल नंबर एक फाइल नंबर 50 से भी रोल कर रहा है। मगर रोल करने वाला कब कह सकते हम, जब वो फाइल को रोल करने दे तब उसको रोल करने दो। आपके पास ज्ञान जो भी है वो भी पुराना ज्ञान है, आपके पास अकाउंट का ज्ञान है तो वो भी पुराना है, इस जन्म का नहीं। तो जिसका जो उसका ज्ञान है तो वो यूज कर रहा है तो उसको यूज करने दो। मगर ये रहता क्यों नहीं है, कि रहता क्यों नहीं, तो कि कभी हमको लोभ की अंदर की कमजोरी जब डिस्चार्ज में आती है लोभ की, तो हम लोभ को देख नहीं पाते, उसमें थोड़ा फिसल जाते हैं। कभी मान की आई तो फिसल जाते हैं, कभी हमको लगता है कि मुझे अभी ज्ञान समझ में आ गया और मुझे अभी ज्ञान पक्का हो गया, अभी मुझे ज्ञान में कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो भी हमको बीच में आ जाती है, वो सबसे बड़ी कमजोरी है।
ऐसा नहीं, मैं तो सारी बात ऐसे ही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस आप रखो, ज्ञान दृष्टि की प्रैक्टिस कब करोगे, यू कह रहा हूँ, ये तो बहुत बार बात हो चुकी है, बराबर, ये तो बहुत बार बात अभी ये सिलसिले में आगे नहीं, यही सिलसिले में आप दादा भगवान ये कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अकर्ता भाव से काम कर रहा हूँ तो मेरा काम हर हो रहा है, और आप कर्ता भाव से करने को जा रहे हो इसके लिए आपका काम बिगड़ रहा है। नहीं, आपका पहला जो क्वेश्चन था वो अलग है, और अभी जो आप बात कर रहे हो पूरा सेपरेट है, दोनों मिक्स मत करो। अच्छा, हाँ, ये बात आप कंटिन्यू में नहीं है। दादा भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो व्यवहार में वो लघुतम, उनकी लघुतम की स्पष्ट बात खुली की कि मैं कुछ भी नहीं जानता। आज किसी को आशीर्वाद दिए, उसके कमर का दुखना बंद हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं, जब मुझे अटकता है तो मुझे भी फांकी लेनी पड़ती है, तब जाके मेरा होता है, मैं चूरण लेता हूं तब मुझे होता है, चूरण लेने के बाद। तो ऐसा दादा भगवान ने वो व्यवहार, पूरा व्यवहार में अपने आप को लघुतम रखा है, व्यवहार में लघुतम रखना और व्यवहार में गुरु न बनना, ये बहुत बड़ी ज्ञान दृष्टि है। अच्छा, आप व्यवहार में गुरु नहीं बनोगे तो आपको बहुत अंदर से बहुत जलन हो जाएगी, और आपको व्यवहार में कोई गुरु बनाएगा तो पूरी अंदर की जलन ठंड शांत हो जाएगी। तो दादा भगवान ने अंदर से हमेशा जलन रखी, जिसको अग्नि बोलते हैं। अग्नि, क्या अग्नि, कौन सी जलन अंदर रखी, तो कि व्यवहार में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं कहीं पे भी, तो कि व्यवहार में लघु बनना मतलब अंदर खुद को ज्ञान स्वरूप में रखना, खुद के अपने आप को ज्ञान स्वरूप में रखना। अच्छा, तो आप ज्ञान स्वरूप में नहीं रह पाओगे, व्यवहार में गुरु बनते ही आप ज्ञान को छोड़ के गुरु बन जाओगे। इसलिए दादा भगवान ने कहा कि हम किसी के गुरु है नहीं और मेरा कोई शिष्य नहीं है। अगर हम शिष्य बनाना चाहते हैं तो अपनी फाइल नंबर एक को शिष्य बनाया, फाइल नंबर एक को इसको शिष्य बनाया, इसके अलावा किसी को शिष्य नहीं बनाया, और इसको शिष्य बनाया मतलब इसको लघु बना दिया, जो गुरु बन के घूम रहा था उसको लघुतम बना दिया, और खास करके घर में इसको लघु बनने की आदत पड़ गई तो पूरा जगत जीत गया। ज्ञान ही ज्ञान दृष्टि है, और ज्ञान दृष्टि में इसको लघु बनाना मतलब इससे पहले सेपरेट होंगे, अपने खुद के मन वाणी काया से आप सेपरेट हो जाओगे, तब जाके मन वाणी काया को आप लघु बना सकोगे। बराबर, और हम ऑलरेडी हो चुके हैं, मन वाणी काया से हम अलग है। दादा भगवान ने इतना काम किया, 50 साल तक बिजनेस किया, लाखों रुपयों का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का उस समय में, फिर भी उस कमाई का भी दादा भगवान को कहीं पे भी असर नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा, आज मैं नौकरी करता तो मुझे कितना पगार मिलता, उतना ही घर में लाते थे, बाकी सारा प्रॉफिट धंधे में रखते थे, कि वापस जब घाटा आएगा, धंधे में नुकसान ही आएगा, तो ये बैलेंस उसमें काम आएगी। बराबर, जैसे जैसे ज्ञान दृष्टि आपके अंदर काम करने लगे, आप व्यवहार में लघु बनोगे, और व्यवहार में लघुतम बनते जाओगे, वैसे वैसे वास्तविकता आपको समझ में आएगी। जैसे दादा भगवान को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का आनंद तो नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा मुझे तो इतने ही पैसे की जरूरत है, बाकी के सारे पैसे धंधे में रखो, वापस लॉस आएगा तब ये पैसे उसमें जोड़ देना। देखो वास्तविकता किसे कहते हो, बराबर, क्योंकि संसार की कोई भी सुख के जब तक आप भिखारी हो तब तक ज्ञान दृष्टि में रहने के लिए आपके लिए बाधक है। बाधक,
Exactly. और जैसे ही आपने ज्ञान में रहने का और मैं अलग हूं और मन वाणी काया अलग है, तो ये सारा भिखारीपन मन वाणी काया का है वो आप अच्छी तरह पहचान पाओगे। बराबर। क्योंकि हम जो माल लेकर आए हैं वो दादा के ज्ञान के पक्ष वाला नहीं है। बराबर। और दादा भगवान तो बचपन से ही आत्मा के पक्ष वाली सारी क्रिया, आत्मा के पक्ष वाला ज्ञान और आत्मा के पक्ष वाला ही जीवन था। और जो जो उनको बाधक हुआ वो भी उन्होंने खुला कह दिया कि हमको ये मान नाम की गांठ, मान नाम का रोग हमको पता है। अंबालाल सेठ की बजाय किसी ने अंबालाल कह दिया तो हमको पता चल जा रहा कि अंदर क्या जलन हो रही है। ये समझ इसके लिए अपने अपनी अपने मन वाणी काया के ऊपर आपका पूरा दिन का देखना हो तो आपको पता चला कि आपकी वाणी खुद के पक्ष में कितनी यूज हुई और कितनी शुद्धात्मा के पक्ष में आपने खर्च की। आपकी वाणी जो निकल रही है, ये कहते हैं ना कि ये वाणी अपने हाथ में नहीं है, ये गलत बात है। ये सारी बात उल्टा ले लिया, दादा का ज्ञान पूरा उल्टा हो गया। होने के पहले तो आपका पूरा पुरुषार्थ प्रयत्न होना चाहिए, होने के बाद देखने के बाद भी वापस प्रायश्चित होना चाहिए। तो ये वाणी, मैं पूरा दिन कहता हूं कि वाणी व्यवहार को बैलेंस करने में गई तो मैं शुद्धात्मा के पक्ष में हुआ। और जो वाणी मेरे अंदर भीतर बैठे वीकनेस के पक्ष में गई तो समझना कि ये अभी चुकाना भारी पड़ेगा। अच्छा। जो वाणी व्यवहार को सम्यक बनाने में खर्च की तो वो मेरे लिए शुद्धात्मा के पक्ष में हुआ, सम्यक बनाने में। और जो वाणी मेरे अहंकार के पक्ष में, मेरी कमजोरियों के पक्ष में दिन में निकला तो वो मेरे लिए बोझ बन गया। ये ऑब्जर्वेशन चाहिए। ये पूरा दिन जो आप घर पे बैठे तो ऑब्जर्व करो। ये प्रश्न आपने पहले भी पूछा था और प्रैक्टिस का भी बात की थी मैंने, मगर ये बात कहाँ है? ये प्रश्न पूछने के बाद हमारा निश्चय कितना काम कर रहा है? आज मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो केवल जनरल नॉलेज बढ़ाने जाता हूं या सही में मैं बीमार हूं? अगर मैं सही में बीमार हूं, डॉक्टर जो दवाई देंगे वो दवाई लेने की शुरुआत हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा निश्चय है। क्या निश्चय है? मैं बीमार हूं और मुझे अच्छा होना है, मुझे अच्छा होना है। डॉक्टर जो भी देंगे डॉक्टर के ऊपर विश्वास भी रहेगा और मैं तुरंत ये शरीर दवाई लेने लग जाएगा। तो जैसे अपन ये सत्संग करते हैं, सत्संग करने के बाद निश्चय कहां कच्चा पड़ता है? क्यों सत्संग से मिला हुआ या तो दादा भगवान की वाणी सुनकर जो मुझे समाधान मिला वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या कमी है मेरे अंदर? तो कि एक ही कमी है, शब्दों से निश्चय करता हूं मगर वो निश्चय में मैंने मेरा हार्ट अभी कम रखा है। जैसे रुपये गिनने में कैसा क्या है, या तो कोई ज्वेलरी है, गहना है, दागीने है, तो कैसा है उसके प्रति हमारा? एक एक समझो। एक आपकी चश्मा है और चश्मे की आपके पास एक ही फ्रेम है तो उसको भी संभालने में कैसा होता है? और वो गुम हो जाए तो क्या हुए? नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो दादा भगवान ने दिए हुए चश्मे दृष्टि कहां गुम को कर दिया हमने? दादा भगवान ने बहुत वितराग केवल ज्ञान होने के लिए दृष्टि दी, चश्मे दी, वितरागों के चश्मे दिए, तो वो कहां यूज करते? वहां वो कहां खो गए हमारे? एक ये चश्मे खोने से हमें दिखाई नहीं देता है तो चश्मे कहां है, चश्मे कहां है, चश्मे कहां है?
और दादा की दृष्टि वाला जो दो दृष्टि वाला चश्मे दिए तो वो तो कहाँ है वो ही नहीं पता है। क्यों? तो कि हमारा निश्चय अभी भी दादा भगवान ने जो कहा है उसके पक्ष में कच्चा पड़ रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप तो पुत्र दादा भगवान के पास से ब्रह्मचर्य व्रत लेते थे तब दादा भगवान ने कहा है तेरा निश्चय है तो हमारा वचन बल है, अगर तेरा निश्चय कच्चा है तो हमारा वचन बल भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। एक ही निश्चय बार बार करना, अभी एक ही निश्चय बार बार करते हैं तो क्या हमारे भीतर ब्रह्मचर्य का माल लेकर आए तक नहीं, ढेर सारा अब्रह्मचर्य वाला माल लेकर आए, ढेर सारा अब्रह्मचर्य वाला माल लेकर आए। बाहर से ब्रह्मचारी होना वो पिछले जन्म की सिल्लक है। आप सुन रहे हैं साहब? सुनाई देता है आपको? आपको सुन रहा हूँ। बाहर से ब्रह्मचारी होना ये पिछले जन्म का हमारा किया हुआ भाव है, बाहर से ब्रह्मचारी दिखना। और सही में ब्रह्मचारी होना, सही में ब्रह्मचर्य पालन करना, ये जितनी समझ बढ़ती जाए उतना निश्चय पक्का होते जाए। तो क्या ये निश्चय पक्का होने के बाद हम ब्रह्मचारी हो गए? तो कि नहीं, ढेर सारा माल ब्रह्मचर्य के विरुद्ध वाला मतलब अब्रह्मचर्य का लेकर आए। तो जितना निश्चय पक्का, जितना निश्चय पक्का उतना अंदर से फूटा जो अब्रह्मचर्य के पक्ष में जो माल फूट रहा है वो दिखाई देगा और सूट ऑन साइट प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। राइट। अगर मैं कह दूं कि मैंने तो बहुत निश्चय कर दिया है ब्रह्मचर्य का, बहुत निश्चय कर दिया है, फिर भी दादा रहता नहीं है, फिर भी हमको ज्ञान रहता नहीं है, ज्ञान दृष्टि रहती नहीं, जो आपने अभी पूछा मुझे, बिल्कुल। तो दादा भगवान ने क्या कहा, तेरा जितना निश्चय पक्का है उसका सर्टिफिकेट क्या है? तो कि जो तू माल भर के लाया है वो फूटते ही तुरंत ही तू धोने का काम करेगा, शूट ऑन साइट। तब तू इमोशनल होके रोने नहीं बैठेगा, तब जब अब्रह्मचर्य का माल फूटेगा तब तुझे इमोशनल होके उधर बैठना नहीं है। जितना निश्चय पक्का उतना अब्रह्मचर्य का माल फूटते ही अंदर धोने की शुरुआत हो जाएगी, सूट ऑन साइट शुरुआत हो जाएगी। अगर मैं इतना सा भी अब्रह्मचर्य के पक्ष में हूं तो उतना प्रतिक्रमण करने में टाइम लग जाएगा, लग जाएगा। राइट। इतना भी अब्रह्मचर्य के पक्ष में हूं तो प्रतिक्रमण करने में टाइम लगेगा। अगर मैं 100% अब्रह्मचर्य के विरुद्ध में हूं उसको निश्चय कहते हैं साहब। आज पूरा दिन अपने आप चल रहा है साहब, आप क्या मेहनत करते हो? पूरा दिन, रात हुई सो गए, दिन हुआ सुबह वही, ब्रश करो, टॉयलेट बाथरूम जाओ, स्नान करो, चाय पियो, नाश्ता करो, पेपर पढ़ो, टीवी देखो, अपने आप चल रहा है सब। तो मैं मेरा मेरी दृष्टि में कहां यूज कर रहा हूं, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि कहां यूज कर रहा हूं? ये तो बाहर का अपने आप चल रहा है। जैसे मैंने कहा ना, पिछले जन्म में मैंने भाव किए थे ब्रह्मचर्य में रहने का, तो बाहर से मैं भले ही ब्रह्मचारी हूं मगर भीतर नहीं हूं साहब। सही बात। वैसे बाहर से मैं कितनी भी गलती कर दूं मगर दादा का ज्ञान और दादा के ज्ञान के तरफ मेरा जोरदार झुकाव है, मेरा जबरदस्त झुकाव है दादा के प्रति, तो अंदर से मैं दादा के ज्ञान के पक्ष में रहूंगा और बाहर वाला भाग जो लेकर आया हूं गलतियों वाला वो गलती होती जाएगी और प्रतिक्रमण भी होते जाएगा, क्योंकि गलती कर जो हो रही है वहां ही प्रतिक्रमण है। मगर अंदर से क्या हूं, दादा के ज्ञान के पक्ष में बैठा हूं, नहीं तो अंदर भी अगर मैं दादा के ज्ञान में पक्का नहीं हूं तो जैसा बाहर हुआ है वैसा अंदर हो जाएगा। बिल्कुल सही।
तो कि भीतर अंदर पड़ा था बाहर से निमित्त इकट्ठा हुआ और चला युद्ध। ये समझने जैसे है। मैं कहता हूं कि पूरी प्रतिक्रमण कितने होते हैं साहब? अगर ये दो चार प्रतिक्रमण होते तो मतलब समझने का कि भाई गलतियां बहुत है मगर मुझे दिखती है केवल दो चार। अपने आप को कह देना पड़े अपने आप को कि ज्यादा होशियारी मत करना क्योंकि तुझे तेरी गलतियां देखने का तुझे गलतियां देखने की इच्छा ही नहीं है। खुद की गलतियां देखने की इच्छा नहीं है और दूसरों की गलतियां देखने में पूरा दिन निकल जाता है तो तेरी गलतियां तो देखेगी कब? तो दो चार देखी इसमें इतनी होशियारी क्यों मार रहा है भाई? गलतियां इतनी हो रही है, इतनी हो रही है। सही बात। स्थूल और सूक्ष्म ओहो गलतियां ही गलतियां भरी है। स्थूल में नहीं दिखाई देती। बिल्कुल सही है। मैं अच्छे घरों में जन्म लिया है, अच्छे संस्कार वाले घरों में जन्म लिया है तो बाहर से गलतियां नहीं दिखाई देती मगर भीतर तो बहुत गलतियां। उस गलतियों का कहां कहां कब प्रतिक्रमण किया कितना पहचाना अंदर की अंदर होती हुई क्योंकि अंदर जो गलतियां होती है वो पुरानी मशीनरी है। मशीनरी में मैं बहक ना जाऊं मैं स्लिप ना हो जाऊं वैसा तो देखना पड़ेगा ना। सही बात है। इसके लिए कहते हैं कि जो फाइल नंबर एक है उसको उसका रोल करने दो। सुबह उठा ब्रश किया टॉयलेट गए बाथरूम नहा स्नान किया चाय पीने बैठा फिर घूमने गया। आज शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए लोग चलने जाते हैं कितनी ये सर्दियों में ये मतलब ये ठंड में लोग क्या क्या करेला का जूस पीते गाजर का जूस पीते ये करते ये किस तो के शरीर हेल्दी रहे। शरीर हेल्दी रहा तो शरीर का उपयोग कहाँ किया आपने? हेल्दी क्यों बनाना चाहते हो आप? वो तो आपने तय नहीं किया। आपने वो तो निश्चय पक्का नहीं किया कि शरीर को हेल्दी क्यों बनाना चाहता हूं ताकि मैं ज्यादा मेरी गलतियां देखकर प्रतिक्रमण कर सकूं और ये शरीर के सारी एनर्जी मुझे अपनी गलतियां देखने में काम लगे। ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है। लोग चलते तो हम भी चलते। लोग सांस लेते और निकालते और छोड़ते हैं तो वो भी हम भी करते हैं मगर ये करने के पीछे हमारा अंदर का कुछ है कि यार भले तू करे तेरा निमेश तू भले ही तू शरीर से हेल्दी बन जाए मगर ये हेल्दी शरीर को यूज कहां करना है? दादा के ज्ञान में शक्तियां मांगने में निश्चय पक्का करने में ये इसको पूछना पड़ेगा। राइट। जय सच्चिदानंद साहब। કાજલબેન નો જો ક્વેશ્ચન જલ્દી લઈ લે તો કાજલબેન એક ક્વિકલી લઈ લો ફિનિશ થઈ જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. हाँ जी जय सच्चिदानंद. तो मैं हम आपने अभी बात की ना कि आगना में रहना है हमें आगना में रहना है वो डिपार्टमेंट और हमें लेकर आए हैं वो नियत उसके बारे में थोड़ा सा समझाओ ना मुझे. हम लेके आए हैं वो नियत हमें आगना में रहना है ये हम कहते हैं लेकिन हमारे फाइल नंबर एक में वो नियत ऐसी नहीं है कि आगना में रहना है उसके बारे में थोड़ा बताओ ना. ये दादा भगवान ने कहा है इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं. दादा भगवान अक्रम विज्ञान. अक्रम विज्ञान से हमने शुद्धात्मा पाया. बाकी का जो भी स्टॉक है जो भी ज्ञान है वो जैसा है वैसा ही है मगर आपने शुद्धात्मा प्राप्त कर लिया. और एक दूसरा मार्ग है क्रमिक मार्ग जिसमें पुराना स्टॉक खाली करने के बाद शुद्धात्मा प्राप्त होता है. क्रमिक मार्ग बोलते हैं क्रमिक मार्ग. और ये अक्रम मार्ग है. अक्रम मार्ग में वही मैं कह रहा हूं बहन वही कह रहा हूं. अक्रम मार्ग में आप आज्ञा का जितना निश्चय पक्का करो जितना निश्चय पक्का होते जाए उतना पुराना लेकर आए अज्ञान वाला मतलब अपनी क्योंकि अंदर पुराना माल व्यवस्थित के अधीन खर्च हो रहा है. पुराना माल व्यवस्थित के अधीन खर्च हो रहा है
और हमारा पुरुषार्थ आज्ञा दृष्टि वाला प्रज्ञा शक्ति के आधार पर शुद्धात्मा के पक्ष में अपने आप अंदर पुरुषार्थी बन रहा है और जो माल लेकर आए है वो पूरा कषायों वाला माल है, कषाय क्रोध मान माया और लोभ जो डिस्चार्ज हो रहे, तो डिस्चार्ज होते हुए कषायों वाला माल उसको अच्छी तरह हम पहचान सके, उसको अच्छी तरह देख सके, उसके लिए आज्ञा में रहने का निश्चय मजबूत करना है। और जितना आप आपका अंदर का माल कषाय वाला देख पाओगे उतना आप अंदर से शुद्ध होते जाओगे। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी अपना टाइम थी के एक्सपीरियंस नो संबंधी है ना? जी साहब। दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच जो महात्मा आ रहे हैं वे है मोनिका बहन मोनट देवस राजस्थान से, वे अपना अनुभव प्रस्तुत करेंगे। पधारे। जय सच्चिदानंद मोनिका बहन। हाँ जय सच्चिदानंद। श्री सिमंदर स्वामी भगवान ने नमस्कार। हाँ दादा भगवान ने नमस्कार। सभी आप्त पुरुषों को और महात्माओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम मोनिका मणोत है। मैं देवास एमपी के पास इंदौर के पास रहती हूँ। एमपी में एमपी ठीक। मेरे लिए मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है और मुझसे अगर कोई भी गलती हो उसके लिए मैं पहले से ही आप सभी से मिच्छामी दुक्कड़म बोलूंगी। मैं वैसे श्वेतांबर मूर्ति पूजक हुए हम लोग और मेरी शादी 99 में भोपाल के पास बेगमगंज में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसा लगा कि परिवार में कुछ ना कुछ मतलब हमेशा अंदर से कहीं ना कहीं कोई कमी सी महसूस होती थी मुझे। फिर मैंने 2010 में दीपक भाई का प्रोग्राम देखा, उसमें वहां पर नौकार मंत्र के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय जब देखा तो मुझे ये बहुत कुछ अलग सा लगा। फिर मैंने धीरे धीरे वो प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि मुझे दादा का ज्ञान लेना है। और फिर मैंने अडालज में 2011 में दादा का ज्ञान लिया। और मेरे पास मेरे दादाजी कहीं पे भी जाते थे तो वो बहुत सारी धर्म की पुस्तकें लेकर आते थे, तो उसमें से स्व पर प्रकाशक एक पुस्तक थी जो कि उनके जाने के बाद मैं अपने पास लेकर आ गई थी। और 2011 में जब मैंने ज्ञान लिया उसके बाद वो मुझे जब पुस्तक मिली और जब मैंने वो पढ़ी तो मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ कि ये किताब में तो सभी शास्त्रों का मतलब अर्क आ गया है, सभी चीजों का मुझे वो लगा उसमें। फिर मैंने उसमें जेमेश भाई और हिरेन भाई का मुझे नंबर मिला, मैंने उन्हें फोन किया और उन्हें बताया कि मुझे ये पुस्तक पढ़ के बहुत आनंद का अनुभव हुआ। और मैं फिर कभी भी मुझे कोई भी बात होती थी तो मैं जेमेश भाई और हिरेन भाई से हमेशा पूछती रहती थी। एक बार ऐसा संयोग आया जीवन में 2012 में कि मेरी दो बेटियां हैं, एक बेटी 12 साल की और एक बेटी 10 साल की थी। उस वक्त मैं वापस प्रेग्नेंट हुई। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तब मैंने हिरेन भाई को कॉल किया और पूछा कि हिरेन भाई मेरे साथ ऐसी संयोग आया है मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या फर्ज बनता है, आप किसी भी जीव को मारना चाहोगे कि बचाना चाहोगे। तब मैंने कहा कि नहीं मैं बचाना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा कि जो भी संयोग हमें आए हैं तो हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। उस वक्त मुझे फिर सभी क्लियर हो गया कि नहीं अब तो मतलब मुझे ये है प्रेगनेंसी को वो नहीं करना चाहिए, अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। फिर उसके बाद 2013 में 13 मार्च को सुदी दूज थी, उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम दक्ष है। धीरे धीरे लाइफ चलती चली गई, बहुत सारी प्रॉब्लम आती। 2015 में मेरे हस्बैंड ने 21 सितंबर के दिन सुसाइड कर लिया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि एकदम जीवन में ये क्या हो गया। आर्थिक परेशानियां बहुत थी, बैंकों का बहुत सारा कर्जा बढ़ गया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था।
जब ये सारी सिचुएशन हुई तो मुझे अपने आप में जुदापन की जागृति जरूर लग रही थी, पर कहीं ना कहीं मुझे बार बार बहुत रोना आ रहा था। फिर मैंने जेमेश भाई को फोन किया, उन्होंने मुझे समझाया, उसके बाद में थोड़ा अपने आप में कंट्रोल हुआ। बहुत सारे इतने लोन के कारण बहुत सारे इश्यू बने, केस भी हुआ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी, जो वेयर हाउस था, वो मेरे ही नाम से था हस्बैंड के जाने के बाद, तो सारे लोन मुझ पे ही आ गए थे। धीरे धीरे केस हुए, मैं जेमेश भाई से लगातार बात करती रहती थी, वो मुझे हमेशा आशीर्वाद देते थे, और धीरे धीरे मैं सारे केसों में से निकलती चली गई। पर कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ होती जा रही थी कि ये जो भी सिचुएशन हुई है मेरी ही कमी रही, कहीं मैंने ध्यान नहीं दिया अपने हस्बैंड के प्रति। मैंने जेमेश भाई से बात करी, उन्होंने कहा कि आप तिवरी आई है। मैं 2016 में जब तिवरी पहुंची तो मैंने जेमेश भाई को बताया, तो उन्होंने कहा जो भी आप तो पुरुष आए, आप उनसे कहना, उनको ये सारी बातें बताना। तो मैंने कहा मैं सबके सामने कैसे बताऊंगी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप सबके सामने बताइएगा। तिवरी में जब मैं पहुंची तो पुलिनानंद जी वहां मुझे मिले, मैंने उनके सामने सारी बातें बताई और उनसे कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि ये सारे संयोग में मतलब मैं अपने आप को डिप्रेस होती जा रही हूँ कि मैंने अपने पति का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं, अब जो हो चुका है आप उसको भूल जाइए और आगे धीरे धीरे अपने बच्चों की जिम्मेदारियां लीजिए, बच्चों को अच्छे से पालिए पोसिए और आप अपने खुद पैरों पे खड़े हुई है। मैं वहां से आने के बाद मुझे बहुत शांति रही। फिर 2018 में मैं अपने मायके आ गई वापस। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा का बिजनेस था, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान थी, मैं उसी को देखती थी, और मेरे माँ बाप मम्मी पापा इंदौर शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे मैं सब बिजनेस देखती चली गई। मुझे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, पर दादा ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, मुझे तो कोई भी चीज का अनुभव नहीं, पर दादा मेरे साथ हमेशा रहते थे। मैं कभी कभी डर जाती थी क्योंकि मैं अकेली थी, पर दादा भगवान की जब मैं असीम जय जयकार बोलती थी तो मेरी सारी परेशानियां दुख दर्द चला जाता था। और लॉकडाउन के पहले मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि मम्मी मुझे अब तिवरी जाना है, तो मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, बच्चों की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। तो मैंने दादा से प्रार्थना करी कि दादा मुझे आपका ज्ञान समझना है, मुझे तो ज्ञान अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ सकता है दादा ज्ञान। फिर उसके बाद लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन तो मेरे लिए ऐसा रहा कि मेरे लिए गोल्डन टाइम रहा। हर दिन मैं जब भी जूम पे रहती थी तो मुझे हर दिन दादा के प्रति श्रद्धा बढ़ती चली गई। एक बार दीपकानंद जी से बात, दीपकानंद जी बता रहे थे कि ज्ञान तो सभी को अच्छे से मिला है पर हमने उस पर श्रद्धा नहीं रखी है अभी तक। मुझे हमेशा लगता था कि मैंने दीपक भाई से ज्ञान लिया है, पर मेरे को अंदर से कुछ लगता तो है ही नहीं कि मैं अलग हूँ और मोना अलग है। तो उन्होंने उस दिन मुझे किसी महात्मा को समझा रहे थे कि तीर्थंकर भगवान ने तो सभी को एक जैसा मतलब ज्ञान दिया है, हमारी श्रद्धा कहीं ना कहीं कम है। तो उस दिन मेरा वो बहुत बड़ा अंदर से जो गलत रॉन्ग बिलीफ बैठी हुई थी वो निकल गई, और धीरे धीरे श्रद्धा दादा पे दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। 2020 में अगस्त में मुझे डायग्नोस हुआ कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। उस वक्त बहुत अंदर से बहुत ज्यादा मैं विचलित हो रही थी। ऑपरेशन होने वाला था मेरा 9 अगस्त का। उसके एक दिन पहले मैंने जेमेश भाई से बात करी, उन्होंने मुझे एक घंटे तक पूरा समझाया, पूरा दादा का ज्ञान समझाया, और इतने अच्छे से मुझे अलग मतलब एक अलग ही वो रहा कि मेरा ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से हो गया, और एक मतलब शुद्धात्मा के पद में रह के मेरी सभी चीजें सभी फाइलों का संभव से निकाल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मेरी कीमो होने लगी, पर मुझे कोई वेदना अंदर टच नहीं करती है, बिल्कुल अंदर से ऐसा लगता है कि मेरे साथ दादा हैं, और मेरे लिए आप तो पुरुष मेरे लिए तीर्थंकर भगवान के समान है, क्योंकि मैंने कभी तीर्थंकर भगवानों को तो नहीं देखा, पर आप तो पुरुष मेरे लिए तीर्थंकर भगवान के समान ही है। जयमेश भाई और हिरेन भाई से तो मैं सिर्फ एक ही बार मिली, और हिरेन भाई से तो मैं आज तक नहीं मिली, पर मैं जब भी फोन पर मुझे कोई भी तकलीफ होती है तो मुझे वो इतने अच्छे से समझाते हैं हिरेन भाई और जयमेश भाई, मैं उनकी परम उपकारी हूँ। और सभी आप तो पुरुषों की जिन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा दादा का ज्ञान खुला किया है। मैं दादा से तो स्थूल रूप से तो कभी नहीं मिली, पर सूक्ष्म रूप से मैं आप लोगों से जब मिल जो आपने मुझे सानिध्य दिया है
उसके लिए मैं बहुत परम उपकारी हूँ। बस मैं इतना ही, और बहुत सारे एक्सपीरियंस है पर शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं मेरे से। बस दीपकानंद जी इतना ही कहूंगी। जय सचिदानंद, जय सचिदानंद। अरे आपने इतना बताया वही तो बढ़िया है कि ऐसी परिस्थिति बताएं। मुझे बहुत डर लगता था कि मैं अपना बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, एक्सपीरियंस समझ ही नहीं आ रहा था। बात सही है, आप बोलने लग यानी बोलने की कोशिश करते तो नहीं होता, लेकिन आप हट गए तो दादा भगवान ने सब संभाल लिया कि बोलने वाले हम है नहीं, तो बोलने वाली तो ये टेप रिकॉर्ड है, वो अच्छी से बोल देगी, हमें हट जाना है बस। बस अलग, मेरे लिए अलगपन है ना। हाँ दादा तो मेरे लिए मतलब जैसे लॉकडाउन हुआ ना उसके बाद तो मुझे हर दिन दादा के प्रति श्रद्धा बढ़ती ही जा रही है, और दादा का ज्ञान मुझे हर दिन नया लगता है, हर दिन नया। बात सही है, बिल्कुल सही बात है, और हर क्षण ऐसे नया ही महसूस करेंगे और उसको क्या बोलेंगे, एवर फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त। और फ्रेश को क्या बोलते हैं हिंदी में, खुशनुमा बोलेंगे जैसे के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये जो कुछ बातें जो दादा के ज्ञान से, ये जो एक तो त्रिमंत्र सुना और फिर त्रिमंत्र में तो बहुत बल है, आपने उसका उपयोग किया है, स्वपर प्रकाश विज्ञान से अच्छी सी समझ आ गई, और एक ही बात है कि ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन उसके पीछे जो समझ चाहिए वो जो आपको आप्तपुत्र के संपर्क से प्राप्त हुआ, और दो बेटियों के बाद जो परिस्थिति आई तो उसका जो सही समाधान मिलने पर एक कुदरत में जो हमसे जो गलती हो जाती है वो नहीं हुई, वो बहुत अच्छा हो गया, वो तो आप मानते हैं ना। मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, और संजोग वसात संजोग से आपके पति ने सुसाइड किया, वो तो वो संजोग वो तो उसका भी आपको समाधान हुआ होगा कि क्यों होता है कैसे होता है। दादाजी ने इतना इतनी स्पष्टता से सब समझ दी है कि हमें कोई विकल्प ही खड़ा रहता नहीं है, और कई बार हम अपने पर ले लेते हैं तो वो भी आपको क्लैरिटी वहाँ तिवरी में हो गई कि हमारे सर पर लेने की जरूरत नहीं है, अभी जो है वो जिम्मेदारी संभालनी है, तो अलग होकर आपने बहुत अच्छा काम किया है, खास करके धंधा भी संभाला, फिर जब परिस्थिति आई तो कीर्तन भक्ति का उपयोग किया और ज्ञान समझने, ये लॉकडाउन ने तो सबका बहुत लोगों का काम किया है, सभी लोगों का सभी महात्माओं का एक दृष्टि की गहराई आ गई, समझ की गहराई आ गई, दादा समझ में आए, समझ में और भी आते जाते हैं और समाधान बढ़ता जाता है, और ये आपका ऑपरेशन भी बड़े ठीक से अच्छी तरह से हो गया है, वो ये तो ब्लेसिंग सभी को हो गई, बड़ा आशीर्वाद हो गया लॉकडाउन के कारण। सभी ज्ञान ऐसा है कि दादा का ज्ञान ऐसा है कि गुजारते हैं, वरना ये संभव ही नहीं था। हाँ बोलिए। दादा का ज्ञान ऐसा है कि लोगों को मतलब महात्माओं को तकलीफ आने के पहले ही दादा इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ना कि वो तकलीफ तकलीफ ही नहीं लगती है, परेशानी नहीं लगती है। बात सही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कीमोथेरेपी वगैरह जो है वो उसमें काफी वेदना होती है, लेकिन वो आपका चेहरा बहुत स्पष्ट बताता है कि उस वेदना ने आपको स्पर्श नहीं किया है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी कमाई है, नहीं तो उसके कारण ही हम बहुत कमजोर हो जाते हैं, मन से तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा स्पष्ट अनुभव है कि वेदना में आप बिल्कुल निर्वेदक भाव से रहे, जैसे दादा भगवान ने बताया मैं निर्वेदक ऐसा शुद्धात्मा हूँ, बहुत अच्छा। मोनिका बहन, सभी आप तो पुत्र सभी महात्माओं के आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे आशीर्वाद, और ऐसे ही करते रहना, बच्चों को खूब अच्छे संस्कार दो, यही
हमारी जिम्मेदारी और दादा के ज्ञान में आगे बढ़ा। एक बात मैं और कहना कि जयमेश भाई, जब मैं जब जयमेश भाई से क्वेश्चन करती थी जूम पे, तो वो मुझे डांटते थे, तो मैं बहुत रोती थी, मुझे बहुत रोना आता था, पर वो मुझे बताते थे कि आपको ज्ञान लिए 10 साल हो गए, आप शब्दों में मत अटको, आप खुद कहाँ अटक रहे हो वहां देखो। जयमेश भाई हमेशा मुझे समझाते थे, और जहां जहां मैं अटक रही थी, मैंने जब जयमेश भाई से ये खुलासा किया, तो वो मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होती चली गई। मुझे उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से मेरी जो जो रॉन्ग बिलीफ थी उसको बिल्कुल सही तरीके से मुझे समझाया। तो मतलब प्रत्यक्ष सत्संग होता है ना, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ अटके है वहां समाधान मिलता है, तो वो महत्व का है, नहीं तो वो सामान्य भाव से बातें होती है। तो दोबारा आपको बहुत सारा आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद, ऐसे ही प्रगति करते रहो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन, आपका एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत बढ़िया था, और आपने बहुत खुला दिल से सब बात की, तो वेरी गुड। तो कमेंट्स आया है, अद्भुत एक्सपीरियंस मोनिका बहन, मेरे मन की बात सर्व आपका पुत्र चौदह लोक का नाथ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, दादा की कृपा आप पर हमेशा रहो, सब महात्मा का ये ब्लेसिंग्स है आपको। सभी को जय सच्चिदानंद, और आप सभी के अंदर बैठे दादा भगवान को भी अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार। जय सच्चिदानंद जी, आपको कुछ एक्सपीरियंस बोलने का बोल लो, बाद में त्रिमंत्र बुलाएगा तो मोनिका मैन फॉलो करें। शिवकांत जी अभी हमें अपने चांस मिल गया आपको। अच्छा, एक बात है कि मुझे जब किडनी स्टोन का पेन हुआ था, और वो बड़ा गहरा था, तो तभी बार बार ये पद गाना हुआ था, दुखड़ा उपकारी था संसारी कादव मां कमर खड़ाए, दुखड़ा ने दोज कमाए लड़ी लड़ी लागू पाए। तो ये पद से बड़ा इधर आ जाओ, आई मीन ये वेदना में भी बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से हम निर्वेदक भाव से रह पाए, और वो बैठ जाने, वो भी जब हम यात्रा में थे, स्टेशन पर थे, गया कि वो कौन सा स्टेशन है, वहां समेत शिखर गए थे, और वहां पर बड़ा स्टोन निकला था, लेकिन बड़ी आसानी से वो उसमें से निकल आए, और ये कविराज के पद हेल्पफुल रहे दादा का ज्ञान से। यही सच्चिदानंद, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पाव प्रणासनो, सव पाव प्रणासनो, मंगलाणम च सवेसिम, मंगलाणम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।